मुसलमानों की आज जो हालत है उसका पूरा जिम्मेदार आज कांग्रेस है। सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। आपको मुल्ला मौलवी लोग गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। स्टेट के अंदर मौलाना लोग कांग्रेस की सुपारी ले चुके हैं। डर क्या है, आने वाले दिनों में सिविल वार होने की नौबत आने वाली है। आरएसएस बजरंग दल के लोग जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे लोग, कुछ लोगों की गलती की वजह से हमारे लोगों में धब्बा लग गया है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कांग्रेस के लोगों ने इतना उल्लू बनाया। ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಬಿಎಚ್ ಮಹಾಪರಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2013 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಾತೀಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಬಳಿಕ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್, ಹಿಜಾಬ್, ಅಜಾದ್ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತ್ರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬರುವ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮೈ ಬಿಎಚ್ ಮಹಾಬಂದಾ ನವಾಜ್ ಮಹಾಬರಿ बीजापुर के खासकर मुसलमान भाइयों और दीगर कौम के लोगों से भी मेरी ये कुछ बातें उनके सामने रखने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जहाँ भी जाओ, शादियों में जाओ, मैयतों में जाओ, जहाँ भी हर गली मोहल्ले में, हर कूचे में चाय पे जो है वही चर्चा चल रही है। मुझे पता नहीं कि लोग इलेक्शन को इतना सीरियस लोग लेके चर्चा क्यों करते हैं। कोई भी चुन के आए, चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, जन्नत तो नहीं होता सकता इस भूमि पर। जो भी रेगुलर काम है, जो गटर है, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, इतना ही होने वाला है, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। वो हमारी आने वाली नस्ल को कुछ हमारी तरफ से लोगों में एक शऊर पैदा हो, ऐसी मेरी कुछ बातों में बताने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर मेरी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि मेरी सियासी ज़िंदगी और जितनी भी मेरी उम्र है उसका जो मुझे तजुर्बा है उस हिसाब से मैं लोगों में बांटने की कोशिश करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। मेरी शुरुआती ज़िंदगी 1992 तक मैं कांग्रेस में ही रहा।
हमारे बीजापुर के एक्स मिनिस्टर जो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैं उनके साथ बहुत क्लोज था, दूसरे पार्टियों में रहने के बावजूद भी हमने बहुत सी कुर्बानियां देते हुए उस्ताद साहब का इलेक्शन किया करते थे। तो उसके बाद 92 में बाबरी मस्जिद का जो इशू हो गया, उसके बाद हमने कांग्रेस छोड़ा और जनता दल में शामिल हुए, और उसी तरह बहुत से लोगों ने भी जनता दल में शामिल हुए। और 94 में पूरी कर्नाटक में जनता दल की गवर्नमेंट बनी और देवेगौड़ा साहब इस कर्नाटक स्टेट के मुख्यमंत्री बने। कुछ ऐसी वैसी चीज़ें होने के बाद, बड़े बड़े लीडरों में कुछ फसाद होने के बाद, रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी से बाहर करने के बाद हम लोगों ने भी जनता दल छोड़ के हेगड़े साहब का दामन थामा। फिर सियासी सफर ऐसा ही चलता रहा। बाद में मैं संयुक्त जनता दल, लोक शक्ति ऐसे होते हुए 2004 में मैं संयुक्त जनता दल का जिला अध्यक्ष भी बना था। उसके बाद 2006 में मैं जनता दल ज्वाइन किया। 2008 में मैं इलेक्शन को ठहरा। 2006 में उस्ताद साहब का इंतकाल हुआ था, कोई नहीं थे। देखेंगे, बहुत से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की जबरदस्ती से मैंने इलेक्शन में ठहरा। कांग्रेस का कैंडिडेट भी मुसलमान होने के वजह से हमने इलेक्शन में दोनों लोगों को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी पार्टी में कि हमको काम करने के लिए वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो हम खामोश थे। बहुत से पार्टियों में भी मैं गया, कांग्रेस में गया, केजीपी में गया, कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों बोले तो एक बार जो समाजवाद से आता है, जो जनता दल का कार्यकर्ता है, वो कहीं भी टिकता नहीं, फिर वापस जनता दल को ही आता है। तो फिर 2 महीने पहले देवेगौड़ा साहब को किसी ने मेरे बारे में बताया कि वो अभी खामोश हैं, बैठे हैं। तो मुझे रात को 11 बजे फ़ोन किए, बात किए। तो इस वजह से मैं पार्टी के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनके सामने बोला कि देवेगौड़ा साहब ने ऐसा बोला है पार्टी का काम करने के लिए। तो हमने भी पार्टी के काम में जद्दोजहद करने के लिए तैयार हो गए, और उसी तरह पार्टी का जिला अध्यक्ष भी घर तक आया बुलाने के लिए, चलो फिर ठीक है, काम कर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो चीज़ें दूसरी पार्टियों में चल रही हैं, लोगों में कंफ्यूज है कि जनता दल वाले कांग्रेस को हराने के लिए टिकट देते हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब 2008 में मुझे टिकट दिया गया, तो देवेगौड़ा साहब का मैं माइनॉरिटी कन्वेंशन किया था आलमगीर शादी महल में, तो 6 महीने पहले मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था। तो फिर आप कांग्रेस वालों ने क्यों मुसलमान को टिकट दिया, मेरा ये सवाल है आप कांग्रेस वालों से। तो फिर आप लोगों ने भी जनता दल के कैंडिडेट को गिराने के लिए टिकट दिया था, तो अब क्यों आप बोल रहे हैं कि जनता दल वाले मुसलमान को हराने के लिए टिकट देते हैं। रही बात, ये छोड़ दो, मैं कुमार स्वामी से डायरेक्ट बात किया हूँ, मैं तो इलेक्शन ठहरने के लिए तैयार हूँ, मैंने उनसे बोला। लेकिन ये जो ब्लेम है, परसों हम जब उनसे मुलाकात किए थे, जब वो कुमार स्वामी स्टेटमेंट दिए कि हम जीतने वाले को ढूंढ रहे हैं, तो हम भी कुमार स्वामी के साथ हैं। दूसरे कम्युनिटी का कैंडिडेट डालने की कोशिश चल रही है, हम भी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, चल रहा है। अंदर से कुछ लोग कुमार स्वामी से, देवेगौड़ा साहब से टच में हैं, बात चल रही है। लेकिन कांग्रेस वालों से मेरा ये सवाल इसलिए है, जब आप
मुसलमानों के साथ जब से आप आजादी के बाद मुसलमानों का रिजर्वेशन आप लोगों ने काटा, बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने गिराया, साचार कमेटी बन के 15 साल हो गया, उसका आप आज तक उसका कोई पता नहीं। मुसलमानों की आज जो हालत है उसका पूरा जिम्मेदार आज कांग्रेस है। हाँ, मैंने भी गलती की थी, कांग्रेस ज्वाइन किया था 2013 में। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे हाथ से गलती हो गई हो, लेकिन फिर 2018 में मेरी गलती सुधार लेने के लिए मैं फिर से JDS जनता दल ज्वाइन किया। मैं इस बार जनता दल का काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कोई इलेक्शन ठहरने के वजह से मैं मैदान में नहीं आया। लोगों को सही संदेश पहुँचाने के लिए हम आज पार्टी का काम कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के 27 लोगों ने टिकट 2-2 लाख रुपए भरकर अर्जियां दी हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं उनके बारे में क्या बोलूं। वो मेरे सब दोस्त हैं, उनके दिल को बुरा ना लगे, अगर उनको बुरा लगे तो मुझे वो माफ करें। मेरा उनसे ये कहना है कि अब देश की हालत अच्छी नहीं है, देश में बहुत लोग परेशान हैं, सर के ऊपर से पानी निकल चुका है, आपको मुल्ला मौलवी लोग गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, आप उनकी बातों में मत आना। स्टेट के अंदर मौलाना लोग कांग्रेस की सुपारी ले चुके हैं, ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन मुसलमान जो इलेक्शन ठहरने वाले हैं कैंडिडेट, उनसे मेरी अदबन गुजारिश ये है कि आप बहुत सोच समझ कर इलेक्शन लड़े। मेरा ये कहना है, मैं ये आपकी पार्टी को सजेशन देना नहीं चाहिए, मैं एक जनता दल का रूप कारकुन होने की वजह से मैं नहीं बोल सकता आप। मैं लेकिन आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, आप मुसलमान पूरे एक होकर किसी एक हिंदू रहनुमा को आगे करके आप इलेक्शन करो, चाहे वो शिवानंद पाटिल हो, चाहे वो अप्पू पट्टनशेट्टी हो, चाहे वो यशवंतराव गौड़ा हो, दूसरे कोई भी हो। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि मुसलमान कैंडिडेट ठहरने की वजह से कम्युनल इलेक्शन होता, उसका मौका मत दो आप। आने वाले 10-15 साल मुसलमानों के लिए बहुत कठिनाई से गुजरने वाले हैं, इसलिए एक हिंदू रहनुमा को आगे करो। मैं भी हमारे पार्टी वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी एक हिंदू कैंडिडेट को ही दे दो। अगर मुसलमान को डालना है, अगर CM इब्राहिम साहब अगर बीजापुर से ठहरना चाहते हैं तो हम भी हंसी खुशी उनको या उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जो भी सियासत में चल रहा है, जो वोटर लिस्ट में से मुसलमानों के नाम कट हो रहे हैं जिस तरीके से, ये कोई नई बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का हो या सरकार का एजेंडा होता है, इसलिए आप मुसलमान आपस में टकराने की बजाय एक हिंदू रहनुमा को आगे कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। हालात अच्छे नहीं हैं, इसके अलावा मैं लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जो मुसलमान भाई हैं, जो हमारे गैर कौम के जो भाई हैं, उनके साथ हमारा लेन देन, हमारा अखलाकी किरदार कैसा होना चाहिए वैसा हमारा नहीं है। हम आज गैर कौम के अंदर बदनाम हैं,
इसको ठीक करने के लिए मुल्ला मौलवी लोग जो हमारे काम करना चाहिए था वो किए नहीं। उसके अंदर इलम के अंदर इजाफा कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम लोगों को फरमाया है उसका सही जो भी इल्म है मस्जिदों में जुमा के खुतबे में देने की आप कोशिश कीजिए। हालात हजरा के बारे में बोलिए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, हम मेरी भी अभी 59 चल रही उम्र, एक इंसान का भरोसा नहीं है। जब तक हमारी आखिरी सांस चल रही है कौम को हम हमारा जो संदेश है वो पहुंचाने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से आदमी का कब क्या होता है क्या भरोसा नहीं। इसलिए मुझे जो कहना चाहिए था मैंने कहा, बाकी आपकी मर्जी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो ठीक बात है, अगर आपको बात अच्छी ना लगी हो तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ करें, मुझे सही राय दें। मैं भी कोई बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं हूँ, एक छोटा सा जितने मेरी समझ में आया है मैं आपके सामने बोला हूँ। हिंदू रहनुमा चुन के मुसलमानों को एक रहनुमा बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या डर है जो आप लोगों से ये मैसेज में बोल रहे हैं कि हिंदू रहनुमा चुन के मुसलमानों को एक रहनुमा बनाना चाहिए? हालात अच्छे नहीं है, जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ। आपको लेना है तो ले लीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए वहीं पर। क्यों बोल रहा हूँ, जब एक मुसलमान कैंडिडेट ठहरता है प्रैक्टिकल में घेरी मार के कम्युनल इलेक्शन होता है, आपको कोई हिंदू वोट आने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से अगर वहाँ हिंदू रहनुमा को आप आगे करेंगे तो ये चीज़ नहीं होती। तुम्हारे जो भी डेवलपमेंट के काम है, जो मैना बेल्ट में जो काम नहीं हुआ जो आप बोल रहे, वो हिंदू रहनुमा के सामने आप बिफोर इलेक्शन रखिए, उनके साथ बात किए, कमिटमेंट करिए, कंडीशन करके आप इलेक्शन कीजिए। लेकिन कांग्रेस के प्रचार समिति अध्यक्ष श्रीमान एमबी पटेल साहब ने तो कहा है कि माइनॉरिटी बेल्ट है तो रिजर्वेशन होने की वजह से मुसलमान को ही टिकट दे सकते हैं। वो उनके पार्टी का मसला है, वो प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, वो अपना डिसीजन आप करें। ये मैं मेरी पर्सनल वैयक्तिक मेरी राय दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को मैं राय नहीं दे रहा है। मुसलमानों के एक सियासी मुसलमान होने के नाते एक सियासी जिंदगी में मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसको बता रहा हूँ। लेकिन जो डर की वजह है आप खुलासे से बताएंगे तो ठीक रहेगा। डर क्या है, खुला बोल रहा हूँ ना, मुसलमान कैंडिडेट ठहरने की वजह से आपको दूसरे कौम के वोट नहीं आएंगे। सर के ऊपर से पानी निकल चुका है, अंदर जो कुछ चल रहा है तुम लोगों को मालूम नहीं है, आने वाली नस्ल के लिए खतरे की घंटी है। नहीं, वही तो हमारा सवाल है कि वो डर क्या है, आप अगर खुलासे से बताएंगे तो सबको मैसेज में मिल जाएगा। डर क्या है, आने वाले दिनों में सिविल वार होने की नौबत आने वाली है। आप इलेक्शन ठहर के मैं पूरे राज्य के मुसलमानों के जो लोग टिकट ठहरने वाले हैं सभी मेरी गुजारिश है कि आप हिंदू रहनुमाओं को आगे करो कुछ दिन के लिए, तुम्हारे अखलाक किरदार तुम्हारे इस्लाम के बारे में उनके सामने पेश करो। तुम्हारे इस्लाम को ही वो झुठला रहे हैं, तुम्हारे पैगंबर को झुठला रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? आरएसएस बजरंग दल के लोग जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए मुझे ये बहुत दर्द के साथ बहुत अफसोस के साथ मैं मेरे भाई लोग ही हैं वो टिकट मांगने वाले उनसे मैं बोलना पड़ रहा है मैं तकलीफ के साथ। तो रहनुमा तो मुसलमान लोग मुसलमान ही चुनेंगे, जैसे आपने बताया कि हिंदू रहनुमा चुन के आप अपना जो भी वक्त लगता है थोड़े दिन लगता है
जब तक इस देश की परंपरा, इस देश में 6000 जातियां हैं, 6000 जातियों के 12000 भाषाएं हैं, हमारी सबका रहन सहन का तरीका अलग है, इस देश को ये जो लोग जिस तरीके से तोड़ना चाह रहे हैं उतने आसानी से ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन लोग हिंदू जो शब्द है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, एक श्रेष्ठ धर्म है, उसको बदनाम करके हिंदू को हिंदुत्व के रूप में करने की ये जो साजिश चल रही है देश में। कल ही किसी ने कहा कि हमने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को इन्होंने मारा 46 कुछ, तो इसके बदले में हमने 2000 लोगों को मारा, ओपन बोल रहे हैं ना वो। ये घटना कहाँ की आप जो बता रहे हैं? वो कुछ गुजरात की है। अब दिन ब दिन होता है ना, मॉब लिंचिंग होता है। हर जगह होता है। आप लोगों के साथ उनका लेन देन सही नहीं है, मुसलमानों को गलत समझते हैं वो लोग। हमारे लोग कुछ लोगों की गलती की वजह से हमारे लोगों में धब्बा लग गया है। बार आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कांग्रेस के लोगों ने मुसलमानों को कितना उल्लू बनाया। सिद्धरामैया एक सेकुलर मुख्यमंत्री था, 5 साल अच्छी सरकार दिया, ये हलाल कट, हिजाब, ये अजान, ये ऐसी वैसी जो छोटे मोटे मसलों में हमारे लोगों को फंसा कर, अगर इसके बारे में अगर कोई खिलाफ स्टेटमेंट दिया है तो जेडीएस वाले कुमार स्वामी और सेम इब्राहिम दिए। जब सिद्धरामैया इसके बारे में कुछ बोलने की कोशिश किया तो हाई कमांड वाले बुलाकर सिद्धरामैया को ताकीद दिए कि तुम हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के फेवर में ज़्यादा मत बोलो। तो ये फिर कैसी ये कांग्रेस है? ऐसी कांग्रेस को आप अपनाएंगे? तुम्हारी मर्जी। जब एक आदमी खुलेआम तुमको सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी पार्टी को आप सपोर्ट करने के बजाय जो 70 सालों से आपको परेशानी में डाले हैं हर चीज़ से, आज हमारे अंदर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म है, आज कहीं भी जाओ आपको बैंक में लोन नहीं मिलता, आपको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं है, जितने भी मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस वाले वीएचपी वाले जो भी एजेंडा लेकर सामने आए उसके खिलाफ अगर कोई बात किया है तो वो कुमार स्वामी है और सीएम इब्राहिम है। कांग्रेस वालों की ये ताकत नहीं है। अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग तो राहुल गांधी को भी बोलना पड़ा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोत्र है, मैं जन्माधारी हूँ। फिर तुम्हारे बाप ने ही बाबरी मस्जिद की खोलने के लिए चाबी दिया था तो आज तुमको मुसलमान के वोटों की जरूरत पड़ गई। 2014 के अंदर आपको जनेवार गोत्र के बारे में बोलना पड़ा अच्छा क्योंकि हिंदू वोट छोड़ के जाएंगे, तो फिर आज तुम बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, आरएसएस के खिलाफ, अम्बेडकर ज्योतिबा फुले की तारीफ कर रहे हो आज, मुसलमानों की जरूरत पड़ गई और फिर आप आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हो, जबकि मूलतः आरएसएस की पैदाइश करने वाले कांग्रेस वाले हैं। इसका कर्ता धर्ता जो भी है पूरा मूलतः कांग्रेस वाले।
बहुत सी चीजें हैं, ये मैं तो पहली बार कुछ बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ लोगों में बात होगी, कुछ हमारे भी चाहने वाले मेरे से कुछ बोलेंगे कहेंगे, तो फिर मैं आपके सामने आऊँगा, आके फिर मैं बोलने की कोशिश करूँगा। एक बार बोल के मैं घर में बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो भी बात है मुंह पे बोलने की मेरी पैदाइशी आदत है, वो मेरे माँ बाप ऐसा झूठ बोलने का मुझे सिखाया नहीं। जो भी है मैं मुंह पे बोलता हूँ, लोगों को चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे इसका कोई ये नहीं है। मेरी आखिरत के बारे में मैं सोचता हूँ, आदमी का क्या भरोसा ये पता नहीं, इसलिए जितना मेरी समझ में आया मैं इतना बोला हूँ। मेरे से बहुत से अच्छे दानिशमंद आलिम हाफिज बहुत से अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपके दिलों में जो भी है आप भी बाहर आकर लोगों को समझाने की कोशिश करें। वक्त सही नहीं है, ये बहुत मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। आप सोशल मीडिया शायद देखते नहीं हैं, आपको पता नहीं है किसी भी वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत सर से पानी निकल चुका है, घर से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। अगर घर से बाहर आप निकलेंगे नहीं तो आने वाली नस्ल हमें माफ नहीं करेगी। आने वाली नस्ल जो है हमारी इन गलतियों को माफ नहीं करेगी। इनष्टु हेच्चिन सुद्दिगागि नम्म न्यूज़ 11 कर्नाटक चानल गे सब्सक्राइब माडि, लाइक माडि, शेर माडि।